Hey everyone, welcome to GeoMind. In this video, we are going to discuss about hotspots and mental plumes. Now, this topic is very, very important for your examinations if you are preparing for UPSC or GATE or CSIR NET or UGC NET. अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के अंदर भी ये टॉपिक है. ओके एंड काफी बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज. एंड लेट अस स्टार्ट. माय नेम इज स्वप्निल एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हॉटस्पॉट एक्चुअली में होता क्या है. व्हाट इज हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वॉल्केनो. ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है? टाइप ऑफ वॉल्केनो, और इसको हम बोल सकते हैं कि वॉल्केनिज्म. ओके वॉल्केनो या वॉल्केनिज्म एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म के अंदर आती है. लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हॉटस्पॉट जो है वो एक रेगुलर वॉल्केनो से थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, कैसे डिफरेंट है वो हम डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है? एक वॉल्केनो होता है. ओके एंड ऑब्वियसली वॉल्केनो आपका कहाँ होगा? अर्थ के क्रस्ट पे होगा. ये आपका अर्थ का क्रस्ट दिख रहा है इन दिस इमेज. इस इमेज को ध्यान से देखिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वॉल्केनो. ठीक है, सो दिस इज अ वॉल्केनो विच इज बेसिकली हवाई. हवाई में आपको डिफरेंट वॉल्केनोस और या आप कह सकते हो कि वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मौना लोवा, ओके किलोया. ओके सो दीज आर योर एक्टिव वॉल्केनोस विच आर प्रेजेंट देयर एंड हवाई इज अ टाइप ऑफ हॉटस्पॉट. सिमिलर एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट का येलोस्टोन. ठीक है, येलोस्टोन आपका वेस्टर्न यूएस में है एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हॉटस्पॉट. लेकिन आप दोनों में अंतर देख रहे हैं. हवाई जो है बेसिकली ओशन के अंदर प्रेजेंट है, और यू कुड से इट इज इन बिटवीन द ओशन, इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन. वहीं येलोस्टोन जो है वो आपका कॉन्टिनेंट के ऊपर है ना. तो आप ये कह सकते हो कि येलोस्टोन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट. कॉन्टिनेंटल हॉटस्पॉट एंड हवाई इज योर ओशनिक हॉटस्पॉट. ओके अब हम बात करते हैं कि जो ये हॉटस्पॉट होता है वो अलग कैसे होता है एक नॉर्मल वॉल्केनो से, है ना. तो आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा. इन दिस इमेज कैन यू सी द रिंग ऑफ फायर? राइट, ये जो पूरी की पूरी चेन आपको दिख रही है पैसिफिक ओशन के पास, दिस इज नोन एज रिंग ऑफ फायर. और रिंग ऑफ फायर को रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज अ चेन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस, और साथ ही साथ यहां पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं. राइट, अर्थक्वेक्स. बट हाउ द हॉटस्पॉट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज वॉल्केनोस विच आर योर रेगुलर वॉल्केनोस, ठीक है, जिसमें माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं. देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो चेन है वॉल्केनो की, ये बेसिकली प्लेट बाउंड्रीज के पास है. राइट राइट, किसके पास है? प्लेट बाउंड्री. और कौन सी प्लेट बाउंड्री आपको यहां पे दिख रही है? लाइक फॉर एग्जांपल दिस, और ये जापान के पास है, जैसे जापान ट्रेंच या जावा ट्रेंच. दिस इज योर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. राइट, और यू कुड से कन्वर्जेंट के अंदर भी ये सबडक्शन टाइप की कन्वर्जेंट बाउंड्री है. ओके यानी कि इसमें क्या हो रहा है? वन प्लेट इज सिंकिंग बीनीथ द अदर प्लेट. राइट, तो जो प्लेट सिंक करी है वो ऑब्वियसली हैवियर होगी, ये आपको पता होगा. एंड दिस द प्लेट बिलो विच दिस प्लेट इज सिंकिंग इज योर लाइटर प्लेट. जनरली ये प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है. ओके तो इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. आपको ध्यान में रखना है कि जो ये रेगुलर वॉल्केनोज होते हैं ये बेसिकली प्लेट बाउंड्रीज के पास रहते हैं. लेकिन जो ये हॉटस्पॉट है,
हॉटस्पॉट कभी भी आपको प्लेट बाउंड्रीज के पास नहीं दिखेंगे, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली दीज हॉटस्पॉट आर, आप कह सकते हो कि एक अनोमली टाइप की होती है, ओके, अनोमलस वॉल्केनिज्म होता है, जो कि मोस्टली प्लेट, जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट रहती है उसके अंदर ही ये वॉल्केनोज रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हॉट स्पॉट, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे होते हैं और ये स्टेशनरी रहते हैं, ओके, स्टेशनरी रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेट बाउंड्रीज से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर इक्के दुक्के हॉटस्पॉट भी आपको मिल गए प्लेट बाउंड्रीज पे तो ज्यादा आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसके हम एग्जाम्पल देखेंगे वैसे, ठीक है। तो दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये वॉल्केनिज्म होता कैसे है, ये भी क्वेश्चन है ना। तो इसका सीधे का इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो ये है कि जो हॉटस्पॉट होता है इट इज बेसिकली द सरफेशियल एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल प्ल्यूम, है ना। मेंटल प्ल्यूम जो होता है बेसिकली एक मेंटल मटेरियल होता है, या आसान भाषा में कहें तो इट इज अ टाइप ऑफ मैग्मा मटेरियल और मोल्टन रॉक मटेरियल विच इज जनरेटेड फ्रॉम, दिस मैग्मा इज जनरेटेड फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री, और इस कोर मेंटल बाउंड्री के पास जो स्पेसिफिक बाउंड्री पे जनरेटेड होता है ये मैग्मा, इसको हम बोलते हैं डी डबल प्राइम या डी प्राइम या डी डबल डैश लेयर, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मेंटल प्यूम है बेसिकली क्या है, ये हॉट बॉयंट मटेरियल होता है, ठीक है, हॉट बॉयंट मटेरियल होता है, दैट्स व्हाई इट इज राइजिंग, ठीक है। आपको पता है कि जो भी हॉट मटेरियल होता है वो राइज करता है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये यहां पे मोल्टन नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो मेंटल होता है वो क्या होता है, रिजिड रहता है, बहुत ही हल्के स्लोली ये मूव करता है, तो ये वाला रीजन कुछ ज्यादा ही हॉट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर बॉयंट, ओके, इट इज हॉट एंड बॉयंट कंपेयर टू द सराउंडिंग मेंटल एंड इट राइजेस, ओके, अपवर्ड्स। बट आपको ध्यान में रखना है कि द मेंटल मटेरियल, दिस मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री, ओके, ये आउटर कोर है आपका, ठीक है, ये लोअर मेंटल है इधर की साइड, तो ये बीच में एक बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं डी प्राइम लेयर, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री रहती है, और वहां से ये मेंटल मटेरियल ऊपर उठ के आता है, तो जब ये क्रस्ट के आसपास पहुंचता है तो मेंटल प्ल्यूम इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे जो ये मेंटल मटेरियल है इसको हम मेंटल प्ल्यूम कहते हैं, और जब ये मेंटल प्ल्यूम क्रस्ट के ऊपर आता है, क्रस्ट के पास आता है, तो ये बेसिकली एक वॉल्केनिज्म का फिनोमिना क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट, ओके। तो आप कह सकते हो कि हॉटस्पॉट इज द कॉन्सिक्वेंस और हॉटस्पॉट इज द सरफेशियल एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल प्ल्यूम, ठीक है, राइट। तो येलोस्टोन जो है ये भी एक तरीके का हॉटस्पॉट है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सुपर वॉल्केनो टाइप का है, और इसका अगर एक्सप्लोजन होगा तो ये काफी कैटास्ट्रोफिक होगा वर्ल्ड के लिए, तो पूरे वर्ल्ड पे एक तरीके से कैटास्ट्रोफी आ सकती है अगर ये इरप्ट हुआ तो, राइट। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस इज अवर इनर कोर, दिस इज अवर आउटर कोर, और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये आपका मेंटल है, तो आउटर कोर और मेंटल के बीच में ये लेयर होती है, डीप प्राइम लेयर कहते हैं इसे, इसको हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। इस डीप प्राइम लेयर में बेसिकली एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, ठीक है, ये 20 से 40 किलोमीटर का एक पैच होता है डीप प्राइम लेयर के अंदर, डीप प्राइम लेयर जो होती है वो 200 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस रहती है ना, तो वहां से ये जो मेंटल मटेरियल है हॉटस्पॉट का, सॉरी मेंटल प्ल्यूम का, वो राइज करता है, तो मेंटल प्ल्यूम एक तरीके से मशरूम शेप का फॉर्मेशन दिखती है जिसका एक थिक हेड होता है एंड लॉन्ग टेल रहती है, ओके,
क्या होता है, थिक हेड एंड लॉन्ग टेल। ओके, हेड किसकी तरह रहता है, मशरूम की तरह, राइट। तो यहां पे एक प्रोसेस दिखा रखी है किसकी, मेंटरप्यूम की, ठीक है। दिस ए रिप्रेजेंट द राइजिंग ऑफ द मेंटल मटेरियल, बी फिर ये राइज करता है क्योंकि सराउंडिंग मटेरियल है जो मेंटल का वो कंपैरेटिवली कूलर है और ये वाला जो है हॉटर है, तो ये हॉट होगा तो राइज करेगा। आपको पता है जो भी हॉट चीज होती है वो राइज करती है, चाहे वो वाटर हो, गैस हो, ठीक है। और ये जब क्रस्ट के पास पहुंचता है तो ये क्रस्ट पे वॉल्केनिक फीचर बना देता है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो हॉटस्पॉट है या मेंटल प्यूम है ये स्टेशनरी रहता है, ठीक है, ये कभी मूव नहीं करता, ये एक जगह पे रहेगा। लेकिन आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, राइट, प्लेट मूव। तो लेट्स से कि ये प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, आप एक लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सीरीज ऑफ वोल्केनोज बनाएगी। लेट क्योंकि लेट्स से कि ये टाइम वन पे ये वाला रीजन इधर की तरफ था, फिर ये मूव किया ना इधर की तरफ, तो इसने एक वोल्केनो बनाया, फिर ऐसे करके ये वाला रीजन रहा होगा, ठीक है, T2, T3, ऐसे करके प्रेजेंट लोकेशन पे ये वाला रीजन है तो ये आगे जाएगा, फिर ये वाला रीजन आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तरीके से आपकी सीरीज ऑफ वॉल्केनिक चेंज बनेंगी, ठीक है, सिमिलर सिमिलर टू हवाई। हवाई में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो बेसिकली यू कैन से द प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ प्लेट जो है वो मूव कर रही है ना। तो हॉटस्पॉट को आपको ध्यान में रखना है कि हॉटस्पॉट जो है क्योंकि वो स्टेशनरी होता है तो इससे हम एब्सोल्यूट प्लेट मोशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेट यहाँ पे कौन सी प्लेट है हमारी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसके अंदर आपकी ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट आती है ना। तो एब्सोल्यूट प्लेट मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हॉटस्पॉट जो होते हैं वो एक्सलेंट रहते हैं, बिकॉज दे आर स्टेशनरी, है ना। तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई प्लेट कितने रेट से मूव कर रही है, ओके, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर ईयर, ओके, 4 सेंटीमीटर पर ईयर, राइट। तो अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो डी प्राइम लेयर इज समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है, कोर मेंटर बाउंड्री के पास, राइट। तो ये कुछ एनहांस्ड व्यू है डी प्राइम लेयर का, ठीक है। तो ये अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि यहाँ पे क्या होती है, साइस्मिक वेलोसिटीज बहुत लो हो जाती है। तो इसको हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये एक अलग टॉपिक है, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू यू नो एलेबोरेट दिस टॉपिक ऑफ डी प्राइम लेयर एंड अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। तो मैं इस पे एक अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, हियर यू कैन सी दैट हाउ इट हैपन्स। ये पूरा का पूरा आपका मेंटल प्यूम है, इसका एक हेड होता है जो लगभग, इसकी जो हेड की डायमीटर होती है वो 1000 से लेके 2000, सॉरी, इसकी जो हेड की डायमीटर रहती है वो लगभग 300 से लेके 400 किलोमीटर तक के आसपास हो सकती है, वही टेल काफी लंबी हो सकती है, 2000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये राइज करता है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है जैसे कि हवाई में हो रहा है, प्लेट मूव करती है तो ये सीरीज ऑफ आइलैंड छोड़ जाता है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर, राइट, सिमिलरली सिमिलर टू लाइक दैट। तो करंटली हवाई हॉटस्पॉट ये वाला है, ठीक है, और जो ये लगभग 64 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि अब प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, पहले नॉर्थ वेस्ट फिर नॉर्थ की तरफ मूव की थी उसने, पहले नॉर्थ वेस्ट मूव किया फिर नॉर्थ की तरफ मूव किया था। तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट वाला वॉल्केनो है ये 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ रहा होगा, है ना, क्योंकि हॉटस्पॉट तो एक ही जगह पे, तो पहले यहाँ रहा होगा, फिर ये धीरे धीरे मूव किया और अब करंट लोकेशन है उसकी यहाँ है। इस तरीके से 50 मिलियन ईयर्स अगो ये वाला इधर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो हियर यू कैन सी द प्ल्यूम मॉडल, ठीक है, और प्लेट मॉडल, दो तरीके के मॉडल प्रपोज किए हैं साइंटिस्ट ने। तो ये हॉटस्पॉट वाला मॉडल है ये प्ल्यूम मॉडल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्ल्यूम मॉडल में क्या होता है कि मेंटल प्ल्यूम्स को एक तरीके से लेजिट तरीके से दिखा रखा है कि हाँ मेंटल प्ल्यूम्स होते हैं, लेकिन प्लेट मॉडल में मेंटल प्ल्यूम्स का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अभी भी साइंटिस्ट दो भागों में बटे हुए हैं कि कौन सा वाला मॉडल सही है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपकी मेंटल जो प्लेट्स होती हैं
सॉरी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो 660 किलोमीटर तक रिजिड रहती हैं, उसके बाद ये ब्रेक डाउन कर जाती हैं। और अब साइंटिस्ट का मानना है कि ये डी प्राइम लेयर तक पहुंच जाती हैं और यहां पे ये बेसिकली पूरा डी प्राइम लेयर में कंज्यूम हो जाती हैं। तो डी प्राइम लेयर को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, किसका? ग्रेवयार्ड ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, प्लेट, और आप कह सकते हो कि इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ ओशनिक प्लेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ओशनिक प्लेट गेट सबडक्टेड। ओके, तो जो ओशनिक प्लेट होती है वो 660 किलोमीटर पे ब्रेक डाउन करती है। ओके, क्योंकि उसके बाद मेंटल रिजिड हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनके जो स्लैब्स के टुकड़े रहते हैं वो धीरे धीरे करके डी प्राइम लेयर तक पहुंचते हैं और वहां पे कंज्यूम हो जाते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विच लेयर इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ सबडक्टिंग प्लेट, आपको ध्यान में रखना है डी डबल डैश लेयर। ओके, राइट राइट, सो दिस इज द मैप ऑफ डिफरेंट हॉटस्पॉट्स। ओके, तो हवाई आपको पता है, देखो पैसिफिक प्लेट के एकदम सेंटर पे है ये, पूरा के पूरी पैसिफिक प्लेट है, राइट? और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है प्लेट बाउंड्री से। कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं हॉटस्पॉट वाले रीजन जो कि प्लेट बाउंड्री के ठीक पास में है, जैसे कि आइसलैंड। तो आइसलैंड जो है वो मिड ओश ये आप यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज यहाँ से जाती है, विच इज बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, तो आइसलैंड जो है वो एक ऐसा हॉटस्पॉट है जो कि मिड ओशनिक रिज से जाता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के ऊपर से जाता है, साथ ही साथ बेलिनी आइलैंड एंड समोआ, ओके, एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स, ओके, एंड बुवेट, दीज आर द रीजन्स विच आर क्लोज टू द बाउंड्रीज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि केमिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट होती है, मैग्मास की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, ठीक है? जो हॉटस्पॉट रहता है उसका जो मैग्मा रहता है वो ओशनिक आइलैंड बसाल्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है? और जो प्लेट बाउंड्रीज रहती हैं उनका डिफरेंट होता है, ठीक है? अगर मिड ओशनिक रिज है तो उसको हम मॉर्ब बोलते हैं, राइट? एंड अगर सबडक्शन जोन है तो वहां पे एल्कलाइन मैग्मा, एल्कलाइन मैग्मा होता है, ठीक है? उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? मैं बस इतना बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो मैग्मा की केमिस्ट्री के जरिए डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट है तो वो मिड ओशनिक रिज के कारण हो रहा है या मेंटल प्लूम के कारण हो रहा है, ये हमें मैग्मा की केमिस्ट्री के द्वारा पता चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हॉटस्पॉट जो है उनका प्लेट मोशन कैसा है, ठीक है? जैसे हवाई का था, तो हवाई पहले प्लेट जो आपकी पैसिफिक प्लेट है वो कैसे मूव कर रही थी, नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड एंड देन नॉर्थ वर्ल्ड। ओके, तो ये मोशन है, ठीक है, प्लेट्स का। तो आपको ध्यान में रखना है कुछ नाम, आपको ध्यान में रखना है, जैसे हवाई हॉटस्पॉट है, एजोरिस हॉटस्पॉट है, अफार हॉटस्पॉट है, काफी फेमस है इन योर अफ्रीका। ओके, वैसे ही कुछ जैसे हॉटस्पॉट है, जैसे रियूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट है, तो ये हॉटस्पॉट काफी फेमस है किसके लिए, डेक्कन वॉल्केनिज्म के लिए, ठीक है? लगभग 60 to 65 मिलियन ईयर्स अगो आपके डेक्कन वाले रीजन में बहुत बड़ा आउटपोरिंग हुआ था लावा का, और वो किसके कारण हुआ था, वो एक हॉटस्पॉट था, रियूनियन हॉटस्पॉट, ओके, उसके कारण हुआ था। वैसे एक और हॉटस्पॉट है करग्यूलन हॉटस्पॉट, अगर आप जियोलॉजी के स्टूडेंट है तो अगर आप स्ट्रेटिग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सिलेथ ट्रैप्स आपने सुना होगा, सिलेथ ट्रैप्स, राइट? सिलेथ ट्रैप्स वॉज बेसिकली कॉज्ड बाय दिस हॉटस्पॉट नोन एज करग्यूलियन हॉटस्पॉट। ओके, करग्यूलियन हॉटस्पॉट। तो आई होप इट इज क्लियर कि हॉटस्पॉट होता क्या है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है? ये जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो मैग्मा सीरीज होती है हॉटस्पॉट की, ठीक है, बेसिकली जो मेंटल प्लूम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म के लिए, और इसको हम कॉन्टिनेंटल फ्लड बसाल्ट भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल
फ्लड बसॉल्ट। ओके, तो जो डोमिनेंट मैग्मा होता है वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं ओशनिक आइलैंड बसॉल्ट। ओके, ओशनिक आइलैंड बसॉल्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म क्या होता है, यानी कि प्लेट के अंदर जो वॉल्केनिज्म हो रहा है, अनोमलस वॉल्केनिज्म हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट के जरिए ही होगा। ओके, बाकी के सारे के जितने वॉल्केनिज्म होंगे वो प्लेट बाउंड्रीज के पास होंगे। ठीक है, तो जो ये ओशनिक आइलैंड बसॉल्ट है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओशनिक आइलैंड थोलाइट्स एंड ओशनिक आइलैंड एल्कलाइन। ओआईटी इज मोर कॉमन। ओके, ओआईटी इज मोर कॉमन, दैट इज ओशनिक आइलैंड थोलाइट्स व्हिच बेसिकली हैव मोर आयरन एंड हायर के टू ओ, टी आई ओ टू एंड पी टू ओ फाइव एंड लोअर ए एल टू ओ थ्री एंड सॉरी लोअर ए एल टू ओ थ्री देन मॉर्ब्स। ओके, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अदर स्टूडेंट्स विच आर नॉट फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड। ओके, तो अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए जो केमिस्ट्री पे हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म्स की तो और मैग्मा सीरीज की, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, एंड हियर यू कैन सी द टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म मैग्मा सीरीज दैट यू कैन फाइंड इन हॉटस्पॉट। जैसे ये ओशनिक आइलैंड बसॉल्ट है तो इसमें थोलेटिक प्लस एल्कलिन आएगी, थोलेटिक इज मोर कॉमन। ओके, जैसे वॉल्केनिक आर्क है तो ये नॉर्मल आपका वॉल्केनो रहता है, इसमें कैल्क एल्कलाइन नाम का मैग्मा सीरीज रहती है। रिफ्ट वैली में जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसमें बाइमॉडल वॉल्केनिज्म आता है। ठीक है, वहीं ओशनिक रिज में आपका थोलेटिक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मॉर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो देर इज वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन थोलेटिक विच इज ऑफ मॉर्ब एंड थोलेटिक विच इज ऑफ ओशनिक आइलैंड बसॉल्ट। दोनों सेम रहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत जियोकेमिस्ट्री डिफरेंट रहती है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर योर हॉटस्पॉट एंड मेंटल ब्लूम्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड टिल देन स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड गुड बाय।